हेलो गाइस, सो आज का टॉपिक है रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास का जो फॉर्मूला है म्यू इक्वल टू m1 m2 upon m1 plus m2, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद तो रहता है, उनके एप्लीकेशन भी वो जान रहे होते हैं, लेकिन कमी रह जाती है वो इस बात की कि उसका जो बेसिक इंट्यूशन जो रहता है रिड्यूस्ड मास का, वो स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं कि ये आखिर आया क्यों, ये जो क्वांटिटी है वो आखिर क्यों यहाँ पे आई है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, रिड्यूस मास का डेरिवेशन देखेंगे और एक छोटा सा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जस्ट टू डेवलप बेसिक इंट्यूशन फॉर रिड्यूस्ड मास। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो रिड्यूस्ड मास का जो बेसिक एक्सप्रेशन है म्यू, वो होता है m1 m2 upon m1 plus m2, ये काफी लोग को मालूम होगा। अगर इसके डेफिनेशन में जाए तो ये जस्ट एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट है, जैसे सूडो फोर्स होता है, सूडो फोर्स भी एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट होता है जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करने के लिए हेल्प करता है। बिल्कुल उसी तर्ज में रिड्यूस्ड मास भी एक अगला कदम है, एक नया मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट है जो सूडो फोर्स की तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, ये स्पेशली टू पार्टिकल सिस्टम के लिए वैलिड होता है। ये क्यों यूज होता है या ये कंस्ट्रक्ट क्यों बनाया गया, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो क्वांटिटी है म्यू m1 m2 upon m1 plus m2, ये टू पार्टिकल सिस्टम में बहुत बार देखी जाती है। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, इस तरह की क्वांटिटीज जो टू पार्टिकल सिस्टम की होती है उसमें ये बहुत ही बार अपीयर होती है, और इसी वजह से इस क्वांटिटी को एक नाम दे दिया गया रिड्यूस्ड मास। लास्ट और आखिरी पॉइंट, ये जो रिड्यूस मास होता है वो हमको डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है बाय प्रोवाइडिंग अ न्यू पर्सपेक्टिव। मतलब आप प्रॉब्लम को एक नए तरीके से देख पाते हैं, जैसे आप सूडो फोर्स में एक सूडो फोर्स लगाकर नए तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक उसी तरह से रिड्यूस मास को यूज करके आप उसी प्रॉब्लम को नए तरीके से सॉल्व कर रहे होते हैं। और साथ ही साथ ये हमको सेंटर ऑफ मास फ्रेम को यूज करने में काफी हेल्प करता है, और इस लेक्चर सीरीज में होपफुली हम लोग आगे जो लेक्चर्स लेंगे उसमें हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम यूज करेंगे और हम ये पाएंगे कि रिड्यूस मास की हेल्प से सेंटर ऑफ मास फ्रेम को यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं और देखते हैं इसका डेरिवेशन। सो जैसा हमने बताया ये टू पार्टिकल सिस्टम के लिए वैलिड है, तो हमने यहाँ पे टू पार्टिकल्स ले रखे हैं जिनका मास है m1 and m2, और दोनों इंटरैक्ट कर रहे हैं पार्टिकल एक दूसरे के साथ, तो कुछ फोर्स लगा रहे होंगे और दोनों फोर्स क्या होगा, सेम होगा यूजिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो यहाँ पे इस सिस्टम का रिड्यूस मास हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, और ये कैलकुलेट करने के लिए हम एक फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली कैलकुलेट करने जाएंगे, और वो फिजिकल क्वांटिटी होगी एक्सेलरेशन ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन। मतलब m2 का एक्सेलरेशन m1 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, और फाइनली हम लोग ये एस्टेब्लिश करेंगे कि एक्सप्रेशन फॉर म्यू या रिड्यूस मास क्या होता है। सो इसको सॉल्व करने के लिए हम दो ऑब्जर्वर ले रखा है हमने। पहला ऑब्जर्वर है ऑब्जर्वर ए जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, और ये जो फ्रेम कहलाएगा ये कहलाएगा इनर्शियल फ्रेम क्योंकि ग्राउंड का एक्सेलरेशन हम जीरो मान के चल रहे हैं। और दूसरा ऑब्जर्वर है वो है m1 मास के ऊपर, ये ऑब्जर्वर बी। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो ऑब्जर्वर ए है, जो इनर्शियल फ्रेम वाला जो ऑब्जर्वर है, वो किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो वो एक्सेलरेशन ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन लिखेगा वेक्टर फॉर्म में, एक्सेलरेशन ऑफ टू माइनस एक्सेलरेशन ऑफ वन। और हम ये देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ टू और एक्सेलरेशन ऑफ वन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर हम इसकी क्वांटिटी की बात करें स्केलर फॉर्म में, सिर्फ जो एक्सेलरेशन ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन होगा वो डायरेक्टली स्केलर क्वांटिटीज a1 और a2 का समेशन हो जाएगा। सो ए एक्सेलरेशन ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन विल बी सिंपली a1 प्लस a2। a1 जो होगा वो फोर्स अपॉन m1 होगा, और a2 होगा वो फोर्स अपॉन m2 होगा। f ऑफ कॉमन ले लेंगे तो हमको मिलेगा f इंटू m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2। इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन वन। अब चलते हैं ऑब्जर्वर बी की तरफ और देखते हैं कि वो इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेगा। तो वो ऑलरेडी एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में है जिसका एक्सेलरेशन है a1, और अब जब वो m2 को ऑब्जर्व करेगा तो उसका जो ऑब्जर्वेशन होगा वो डायरेक्टली एक्सेलरेशन ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन होगा। और इसके लिए वो दो तरीका अपना सकता है, एक तरीका होता है सूडो फोर्स का जिसको हमने लिख रखा है यहां पे b1, और दूसरा तरीका होता है रिड्यूस मास का जिसे हमने लिख रखा है b2। सो पहले देखते हैं सूडो फोर्स लगा करके वो इसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता है। तो क्या करेगा, ये जो b1 ऑब्जर्वर है वो m2 मास पर एक सूडो फोर्स लगाएगा fp, और सूडो फोर्स की क्वांटिटी हमको मालूम होनी चाहिए, इट इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। सो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है m2 और एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर है a1। सो सूडो फोर्स की क्वांटिटी हो जाएगी m2 इंटू a1,
और A1 हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है वो होगा F अपॉन M1, वो वैल्यू यहाँ पे डालें तो FP सुडो फोर्स की वैल्यू आएगी FM2 अपॉन M1। अब जो B1 ऑब्जर्वर है वो एसोलेशन लिखेगा 2, एसोलेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, वो लिखेगा नेट फोर्स ऑन M2 दैट विल बी इंटरेक्शन फोर्स F प्लस सुडो फोर्स F M2 अपॉन M1 जैसा हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया एंड होल डिवाइडेड बाई मास ऑफ 2 M2। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 वो आने वाला है F इंटू एम वन प्लस एम टू अपॉन एम वन एम टू। इस इक्वेशन को हम लोग नाम दे देंगे इक्वेशन 2 और आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 में सेम रिजल्ट आपको मिलेगा। आइए चलते हैं लास्ट पर्सपेक्टिव में जो कि कहलाता है रिड्यूस्ड मास पर्सपेक्टिव, जो कि आज के हमारे लेक्चर का एजेंडा भी है। तो अब ये जो ऑब्जर्वर है अब ये रिड्यूस मास पे कैसे पहुंचेगा, तो इसका जो की आइडिया है इसके पीछे वो ये है कि अब ये जो ऑब्जर्वर है बी टू, ये ऑब्जर्वर अभी सूडो फोर्स नहीं लगाना चाहता, वो नहीं चाहता कि वो जो M2 मास पर वो सूडो फोर्स लगाए, तो उसी के लिए दूसरा अरेंजमेंट उसे करना पड़ेगा, उसी वजह से रिड्यूस मास आएगा। तो वो क्या करेगा, ये जो सूडो फोर्स वाला जो इक्वेशन है उसको रीअरेंज करेगा। सूडो फोर्स वाले जो वाला जो इक्वेशन है उसे अगर हम रीअरेंज करेंगे तो हमें न्यूमरेटर में यह मिलेगा एफ प्लस एफ इंटू एम टू अपॉन एम वन, ये वाली क्वांटिटी हो गई, और एक्सेलरेशन और एम टू क्रॉस मल्टीप्लाई होकर एम टू इंटू ए टू वन मिल जाएगा। इसमें से F कॉमन ले लेफ्ट एलएचएस में तो हमको क्या मिलेगा F M2 प्लस M1 प्लस M2 अपॉन M1 एंड दैट विल बी इक्वल टू M2 इनटू A21। इसके बाद ये जो क्वांटिटी है M1 प्लस M2 अपॉन M1 इसे अगर हम लोग एलएचएस में ट्रांसफर कर दें तो एलएचएस साइड में क्या बचेगा फोर्स एंड दैट विल बी इक्वल टू M2 अपॉन M1 प्लस M2 अपॉन M1 एंड दैट इनटू A21। अब ये जो लास्ट इक्वेशन हमारे पास आया है इसे आप ध्यान से देखिए और न्यूटन सेकंड लॉ से कंपेयर कीजिए, तो हमारे पास रहना चाहिए फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो ये ऑब्जर्वर था, ऑब्जर्वर क्या चाह रहा था कि वो सूडो फोर्स मत लगाए, तो वो सिर्फ इंट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, यहाँ पे सिर्फ सूडो फोर्स है, सॉरी यहाँ पे सिर्फ इंट्रैक्शन फोर्स है, सूडो फोर्स नहीं है, और यहां पर एक्सेलरेशन ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन उसने लिख रखा है और यहां पे आना चाहिए था मास, बट सिंस उसने यहां पे सूडो फोर्स नहीं लगाया इसलिए मास जो है वो चेंज होके आ रहा है, M2 आना चाहिए था, तो M2 की जगह क्या आ रहा है M2 डिवाइडेड बाय दिस क्वांटिटी विच इज M1 प्लस M2 अपॉन M1, और इसे आप बोल सकते हैं रिडक्शन फैक्टर। सो ये जो न्यूटन सेकंड लॉ लिखने का जो तरीका है उसमें फोर्स बराबर मास टाइम्स एक्सेलरेशन होना चाहिए, फोर्स में अगर आप सूडो फोर्स नहीं लगाना चाहते तो मास को आपको डिक्रीज करना पड़ेगा, और यही की आइडिया है रिड्यूस मास का, और आप देखेंगे यही क्वांटिटी जो है वो रिड्यूस मास बनने वाली है। तो इसी क्वांटिटी को ये जो क्वांटिटी है इसे आप रीअरेंज करेंगे M1 न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये क्वांटिटी इस तरह से लिखेगी F बराबर M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इनटू A21, और इसी क्वांटिटी को हम लोग लिख देंगे रिड्यूस मास। सो हमारा फाइनल इक्वेशन हो जाएगा फोर्स बराबर म्यू इनटू A21। सो आप यहां पे देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन तो आप 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 लिख रहे हैं लेकिन लेफ्ट साइड में सूडो फोर्स नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ इंट्रैक्शन फोर्स लिख रहे हैं, और चूंकि आपने यहां पे सूडो फोर्स नहीं लिखा है इसलिए मास को आपने चेंज कर देंगे और मास को लिखेंगे म्यू रिड्यूस्ड मास। इसका अगर हम लोग डायग्राम बनाना चाहें इसके लिए फोर्स डायग्राम, तो हमको इस तरह से दिखाई देगा ये रहा हमारा ऑब्जर्वर बी टू और यहां पर यह मास रहेगा एम टू, लेकिन अच्छा ये जो एम टू मास है उसमें जो फोर्स लगा रहे हैं हम सिर्फ इंट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं, सूडो फोर्स नहीं लगा रहे हैं, सूडो फोर्स जो M1 कैंसिलेशन की वजह से आएगा वो हम नहीं लगा रहे हैं, और इसी वजह से यहां पे मास M2 को चेंज करके हम लोग लिख रहे हैं रिड्यूस मास विच इज म्यू। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल सॉल्व करते हैं। यहां पे हमने दो मासेस वही ले रखे हैं M1 M2, सेम ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ए जो इनर्शियल फ्रेम में है, ऑब्जर्वर बी जो कि M1 पे खड़ा है, और यहां पे भी हम क्या करेंगे एक्सेलरेशन ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन कैलकुलेट करेंगे यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। तो जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, तो पहला जो हमारा तरीका होगा वो होगा इनर्शियल फ्रेम वाले ऑब्जर्वर से, ये ऑब्जर्वर क्या करेगा एक्सेलरेशन ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन लिखेगा ए वन प्लस ए टू, जैसे स्केलर क्वांटिटी है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो सिंपली जुड़ जाने वाली है ये, और ये जो इन दोनों के ऊपर जो इंट्रैक्शन फोर्स था, सॉरी इंट्रैक्शन फोर्स हमने डिस्कस नहीं किया, इंट्रैक्शन फोर्स ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर लगा रहे हैं 30 न्यूटन का, मतलब ये इंट्रैक्शन फोर्स कुछ भी हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है, स्प्रिंग फोर्स हो सकता है, बट दे मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट। तो एक्सेलरेशन ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन में आएगा एक्सेलरेशन ऑफ वन प्लस एक्सेलरेशन ऑफ टू, एक्सेलरेशन ऑफ वन पे आने वाला है फोर्स अपॉन मास, सो 30/10, एक्सेलरेशन ऑफ टू आएगा 30/30, दैट इज 30 इज द फोर्स 30 इज मास, दोनों को जोड़ेंगे 1 + 3 ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
दूसरे पर्सपेक्टिव में चलते हैं कि जब ये स्यूडो फोर्स लगाएगा बी वन वाला जो हमारा ऑब्जर्वर है, सो ये क्या करेगा, इस एम टू पार्टिकल पे 30 न्यूटन फोर्स तो लगाएगा, इंट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, साथ ही साथ वो लगाएगा सूडो फोर्स, और सूडो फोर्स कितना लगाएगा, सूडो फोर्स लगाएगा मास ऑफ एम टू मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ एम वन, तो मास ऑफ एम टू है 30 और एक्सेलरेशन ऑफ एम वन आएगा 30/10 दैट इज 3, सो सूडो फोर्स हो जाएगा 30 × 3 दैट इज 90 न्यूटन, और साथ ही साथ 30 न्यूटन तो उसके ऊपर इंट्रैक्शन फोर्स लग ही रहा था, तो टोटल फोर्स जो बी वन पर्सपेक्टिव से जो ऑब्जर्वर लगाएगा वो लगाएगा 90 + 30 दैट इज 120 न्यूटन, और उससे जब हम लोग 30 से भाग दे देंगे उसके मास से तो हमें मिल जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, सो एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 आएगा 120/30 दैट विल अगेन कम आउट टू बी 4 m/s². अब चलते हमारे लास्ट पर्सपेक्टिव में जिसमें वो रिड्यूस मास यूज करेगा, तो जैसे हमने डिस्कस किया रिड्यूस मास जब वो यूज करता है ऑब्जर्वर तो वो सूडो फोर्स नहीं लगाता है, तो वो सिर्फ लगाएगा यहाँ पे इंट्रैक्शन फोर्स जो कि कितना है 30 न्यूटन, और इसका मास जो लिखेगा वो लगेगा वो रिड्यूस मास, ओरिजिनल मास नहीं लिख सकता, तो रिड्यूस मास होगा m1 m2 / m1 + m2, वैल्यूज डाल देते हैं m1 = 10 m2 = 30, इसको सॉल्व करेंगे रिड्यूस मास की वैल्यू आएगी 7.5 kg, और अब ये जो b2 ऑब्जर्वर है वो एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 लिखेगा फोर्स दैट इज 30/ रिड्यूस मास व्हिच इज 7.5, और ये वैल्यू निकल के आएगी 4 m/s². सो आई होप ये वीडियो यूजफुल रहा होगा और रिड्यूस मास का बेसिक इंट्यूशन डेवलप करने में आपकी हेल्प किया होगा, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है या कोई सजेशन रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।